गुड इवनिंग मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप मेरे जो वीडियो का फ्रंट पेज है उसमें देख पा रहे हैं कि आज मैं UK SSC यानी जो उत्तराखंड आयोग होता है, जो उत्तराखंड से रिलेटेड जो समूहों की भर्ती करवाता है उससे रिलेटेड तीन बड़े समाचार लेकर आया हूँ जो समूहों के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे प्रथम न्यूज है वो है प्रदेश में 316 बंदरगाहों की होगी भर्ती। अब क्या है जो UK SSC है यानी उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने क्या बोल रहे हैं कि 316 बंदरगाहों की भर्ती होगी। इसमें लिखा है कि जल्द युवाओं को वन विभाग में 316 बंदरगाहों की भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके लिए वन विभाग ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। शासन से जैसी हरी झंडी मिलेगी वैसी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो भाई बहनों मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाह रहा हूँ, इसमें जो बंदरगाहों की भर्ती होगी इसमें ग्रेजुएशन होगा, ठीक है। ग्रेजुएशन जिसने करेगा वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए। तो ये थी फर्स्ट न्यूज़ जो बहुत बड़ी न्यूज़ है, एक तरह से खुशखबरी कह सकते हो उत्तराखंड के युवाओं के लिए। और दूसरी न्यूज़ जो है वो है थोड़ा बैड न्यूज़ है, क्या है, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को करना होगा और इंतज़ार। जो फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती थी भाई और बहनों जो 1218 पदों के लिए थी उसमें क्या हुआ था कि 80,000 आवेदन आने के कारण सारी परीक्षा कराने में जो खेल विभाग होते हैं और जो पुलिस प्रशासन हो गया वो क्या करते हैं इसको सक्षम कराने में असमर्थ थे। कम से कम एक यानी 2 लाख से 2 लाख के बीच अभ्यर्थियों की परीक्षा पुलिस और खेल जो खेल और युवा कल्याण थे वो उनने मना कर दिया था, ठीक है। इस खबर को पूरी पढ़ते हैं। फर्स्ट गार्ड भर्ती को कराना होगा और इंतज़ार। फर्स्ट गार्ड भर्ती को लेकर कानूनी अचलन दूर होने के बाद सेवा नियमावली का पेंच फंस गया है। 1218 पदों के लिए 80,000 आवेदन आने के कारण विभाग सारी परीक्षा कराने में अक्षम हो गया। ऐसे में पहले लिखित परीक्षा योजना है और इसके लिए सेवा नियमावली में बदलाव जरूरी है, इसके बाद होगी लिखित परीक्षा। जैसे पहले ऐसा था ना भाई और बहनों, मैं एक बार पूरा डिटेल बताना चाह रहा हूँ आपको। पहले एक ये था कि जैसे फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आ गई थी तो 1218 पद तो टोटल थे इसमें और इसमें आवेदन हो गए थे 80,000 आवेदन। तो अब जो शारीरिक परीक्षा है 80,000 छात्रों की, वो जो खेल विभाग यानी जो पुलिस प्रशासन ये और युवा कल्याण ये लोग जो 80,000 आवेदन आए थे उनमें उनका फिजिकल कराने में असमर्थ हैं, इसलिए विभाग ने क्या कर दिया है अब लिखित परीक्षा होगी। विभाग ने कहा कि अब लिखित परीक्षा होगी, अब लिखित परीक्षा के लिए उनको एक सेवा नियमावली बनानी पड़ेगी। अब जब सेवा नियमावली बनेगी तब जो वैकेंसी आएगी तब आएगी, ठीक है भाई बहनों। इसलिए एक समझ सकते हो कि और ये लटक गई 5-6 महीने के लिए वैकेंसी, ठीक है भाई बहनों। तो थर्ड न्यूज़ जो है उत्तराखंड UKSS की परीक्षा समेत तीन बड़ी न्यूज ये है। उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने अगले 5 महीनों में विभिन्न विभागों में 3,000 पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है। जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अगले दिसंबर तक यानी दिसंबर 2019 तक विभिन्न विभागों में 3,000 पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है। इसमें जो ग्राम विकास अधिकारी यानी VDO के 324 पद हैं, 3,000 नियुक्तियां 5 महीने में होगी। वो कह रहे हैं कि 3,000 नियुक्तियां क्या होंगी 5 महीने में होगी और उसके साथ प्रदेश में 316 बंदरगाहों की भी होगी भर्ती। तो भाई बहनों ये थी आज की तीन जो UK SSS से सबसे बड़ी न्यूज में से एक है। इनको एक बार वीडियो पॉज करके ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जो UK SSC यानी समूह का अभ्यर्थी जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भाई बहनों। ये थर्ड न्यूज ये है। तो ये आज छोटा सा वीडियो एक मैं थोड़ा सा न्यूज़ के बेस पर बना रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ जो कि जॉब रिलेटेड हो और कुछ सीखने के पर्पस से हो, बहुत चीज़ें मैं अपलोड करते रहता हूँ। इसलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।